हरि ओम नमस्कार सुप्रभातम् अद्य वयं शास्त्री द्वितीय वर्षस्य साहित्य द्वितीय पत्रे पाठ्यक्रमे निर्धारितं महाकवि माघस्य शिशुपालवद महाकाव्यस्य अवलम्बनं कृत्वा तद्विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। अस्य शिशुपालवदमहाकाव्यस्य प्रणेता महाकविर्माघः अस्ति। तस्य परिचयविषये यदा वयं पश्यामः, सर्वप्रथमं तु महाकविर्माघः तद्विषये एवमुच्यते, यदसौ संस्कृतसाहित्यकाव्यकारेषु उत्कृष्टं स्थानमलभत। एतदेव कारणमस्ति यत् अनेन रचितं शिशुपालवधमहाकाव्यं बृहत्त्रय्यां विशिष्टं स्थानं लभते। अयं महाकविः स्वमहाकाव्यस्य अन्ते प्रशस्तिरूपेण रचितेषु पञ्चश्लोकेषु आत्मनः परिचयं प्रस्तौति। तदेव आधारीकृत्य एतस्य परिचयः अत्र किञ्चिदुच्यते। देखिए, ये जो शास्त्री द्वितीय वर्ष का और द्वितीय पत्र है साहित्य का, जिसमें शिशुपालवद महाकाव्य का प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो इसका अध्ययन तो हम करेंगे ही। जब हम इस शिशुपालवद महाकाव्य की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसके रचयिता के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके रचयिता, इसके प्रणेता महाकवि माघ हैं, जो कि संस्कृत साहित्य के जितने भी रचनाकार हुए हैं उनमें इनका बहुत ही उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। और इन्होंने जो रचना की है शिशुपालवद महाकाव्य, उसका इस प्रकार का वैशिष्ट्य है संस्कृत साहित्य में, इस महाकाव्य को बृहत्त्रयी के मध्य में स्थान मिला है। बृहत्त्रयी में भारविका के रातार्जुनीयम और माघ महाकवि का शिशुपालवद महाकाव्यम और श्रीहर्ष महाकवि का नैषधीय चरितम, इस प्रकार ये तीन महाकाव्य बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। तो उसमें से अन्यतम ये एक महाकाव्य शिशुपालवधम है। महाकवि माघ ने अपने इस महाकाव्य के अंत में प्रशस्त के रूप में पांच श्लोकों में अपना परिचय, थोड़ा परिचय किंतु मात्र परिचय दिया है, उसी को आधार बना करके उनका यहाँ परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, जब हम इनके स्थित काल की बात करते हैं कि इनका क्या समय था, किस समय में इन्होंने इस धराधाम को और अलंकृत किया था, तो इन्होंने जो शिशुपालवद महाकाव्य की रचना की है उसमें इन्होंने जो परिपाटी अपनाई है वो महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय महाकाव्य का अनुकरण करते हुए और उससे उत्कृष्ट महाकाव्य बने, इस प्रकार का प्रयास उसमें किया है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि महाकवि भारवि इनसे पहले हो चुके थे जिन्होंने किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना की थी। महाकवि भारवि का समय ईसवीय षष्ठ शताब्दी छठी शताब्दी माना जाता है और उनके बाद में इनका प्रादुर्भाव हुआ है महाकवि माघ का। ऐसे ही ध्वन्यालोककार जो आनंदवर्धनाचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में ध्वन्यालोक में शिशुपालवद महाकाव्य के दो श्लोकों को उद्धृत किया है उदाहरण के रूप में। इसका अभिप्राय उनसे ये पहले हुए थे। इनके जो पितामह हैं सुप्रभदेव दादाजी, वो किसी वर्मलात नाम के राजा के मंत्री हुआ करते थे। उन राजा वर्मलात का और एक शिलालेख 760 ईस्वी में, उसमें समय भी लिखा हुआ है, वो सिरोही जिले के अंतर्गत वसंतगढ़ नाम के स्थान पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से
इनका समय पूर्वापर अवलोकन करके विश्लेषण करके ऐसा निकलता है कि इनका समय सातवीं शताब्दी ईसवी सातवीं शताब्दी से आरंभ करके और आठवीं शताब्दी के मध्य तक विद्वान लोग इनका समय स्वीकार करते हैं। हम जब इनके जन्म स्थान की बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इस विषय में सभी विद्वानों का एक मत है, सभी इस बात को मानते हैं कि इनका माघ का जो जन्म है वो भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था। और यह जो भीनमाल स्थान है वो आज, पहले तो ये कहते गुर्जर गुजरात प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन आज के राजस्थान प्रदेश के सिरोही जिले में ये भीनमाल स्थान आता है। इनके पिता दत्तक नाम वाले थे, इनके पिता का नाम दत्तक था। आप लोगों को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि राजस्थान में प्रतिवर्ष और किसी जो अच्छा संस्कृत का अच्छा महाकवि होता है, विद्वान होता है, उसको संस्कृत दिवस के ऊपर राज्यपाल के द्वारा माघ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से एकमात्र इनकी कृति यह शिशुपाल वध महाकाव्यम के रूप में प्राप्त होती है। शिशुपाल वध महाकाव्य, और इसमें जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। इसका जो उपजीव्य यानी कथा जहाँ से ली गई वो है महाभारत, व्यास रचित महाभारत से कथा ली गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में और जिस समय राज्य कर रहे हैं, वहाँ विराजमान हैं, तो इंद्र के दूत के रूप में देवर्षि नारद आते हैं और वहाँ अपना संदेश देते हैं कि आपका जिसके लिए अवतार हुआ था शिशुपाल और दंतवक्त्र ने आदताइयों से इस पृथ्वी को मुक्त करना, पृथ्वी को भार विहीन करना, भार रहित करना, पापियों से मुक्त करना, तो शिशुपाल का वध करने का समय आ गया है। ये संदेश देवर्षि नारद लेकर के आते हैं और यहाँ से लेकर के जब वो नारद जी चले जाते हैं, तो नारद जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी राज्यसभा में इनके बड़े भाई बलराम जी और इनके जो मंत्री हैं उद्धव जी, उनके सामने ये बात रखते हैं और एक विषय और रखते हैं कि उसी समय जो ज्येष्ठ पांडुपुत्र हैं युधिष्ठिर, वो राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं अपने राज्य में, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया है। तब दो विषय आ गए उसमें, एक तो देवर्षि नारद का के द्वारा लाया गया इंद्र का संदेश, शिशुपाल का वध करना, और दूसरी ओर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना। तो जब दो कार्य एक साथ आपतित हो गए आ गए, तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी से और उद्धव से इस विषय में परामर्श किया कि क्या करना चाहिए। तो बलराम जी का जो मत था कि शिशुपाल का वध ही पहले करना चाहिए, वो अनेक तर्क देते हुए कहते हैं कभी भी शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले शत्रु का वध कर देना चाहिए, तो शिशुपाल का वध करना सबसे पहले आवश्यक है, ये अपना मत वो प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब उद्धव का अवसर आता है तो उद्धव ये कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना और इसका औचित्य अधिक है। अंत में वो भी अनेक तर्क देते हैं और भगवान कृष्ण भी उद्धव के पक्ष में अपना मत देते हुए और राजसूय यज्ञ में जाना स्वीकार करते हैं। अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में उनका यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर अग्र पूजा किसकी हो, वहाँ पर अनेक राजागण आए हैं जिसमें शिशुपाल भी आया है, जरासंध भी आया है, अन्य अनेक प्रतापी राजागण वहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पर ये और निर्णय करने के लिए कि प्रथम पूज्य कौन होगा, उस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, अनेक मत आते हैं। तो पहली पूजा करने के लिए और सभी लोगों का एक मत बनता है भगवान कृष्ण की पूजा की जाए। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जब युधिष्ठिर तैयार होते हैं तो उसमें शिशुपाल, जो कि इनकी बुआ का लड़का है, तो आतताई भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है, इनका फुफेरा भाई है, तो वह जब उत्पन्न हुआ था, एक कथा आती, वह जब उत्पन्न उसका जब जन्म हुआ था तो इस प्रकार का था कि भगवान कृष्ण ने आकाशवाणी हुई थी कि अत्यंत आतताई होगा, भगवान कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, तो उनकी बुआ ने इनसे वचन ले लिया था कि आप इसको मारेंगे नहीं,
भगवान कृष्ण ने कहा था कि इसका वध हम ऐसे नहीं करेंगे, इसके 100 अपराधों को हम क्षमा कर देंगे। कृष्ण ने कहा था इसके 100 अपराध हम क्षमा कर देंगे अगर उसकी भी आगे बढ़ता जिसका हम वध कर देंगे। तो राजसूय यज्ञ में जो भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल ने वहाँ पर भगवान कृष्ण का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। करते करते जब 99 अपराध वो कर चुका तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने अपना एक कोठा पूरा कर लिया है, अगर तुमने इसके आगे एक और अपराध किया और उससे भी आगे बढ़ते हो तो फिर निश्चित रूप से तुम्हारा वध करना पड़ेगा। उसके आगे भी उसने कुछ अपशब्द कहे, दुर्वचन कहे, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के वध पर्यंत तक की कथा यह वर्णित है। तो ये एक महाकाव्य है और इसमें ये कथानक भी आपको तैयार करना है और इसका उपजीव्य महाभारत है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये इस महाकाव्य की रचना का जो उद्देश्य लेकर के चले महाकवि भाग, तो दो उद्देश्य लेकर के चले हैं। एक तो लक्ष्मीपतेह चरित कीर्तनम, कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के अवतार जो कृष्ण हैं उनके चरित्र का कीर्तन करना, एक उद्देश्य ये है। और दूसरा है सुकवि कीर्ते है दुराशा, कि सुकवि बने, अच्छे कवि बने, इसकी इनके मन में अभिलाषा है। तो इस कहने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, निसंदिग्ध रूप से, निसंदेह रूप से इन्होंने और दोनों प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति में सफलता प्राप्त की है। ये इस महाकाव्य को देख करके, पढ़ करके और समझा जा सकता है। ये महाकाव्य जो है शिशुपाल वध महाकाव्य, यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस यहाँ पर सहायक है। ये इसकी मुख्य बातें हैं, मैंने बताई दिया। महाभारत इसका उपजीव्य ग्रंथ है, तो इसका परिचय आप लोग तैयार करेंगे और उसको आपकी परीक्षा में भी और आगे आपके आगे जो आपका अध्ययन काल उसमें भी इसको स्मरण रखेंगे। ये इसको हम पूरा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।